हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप फ्रॉम logicaldost.in। सो आपके पास भी भारत फाइबर का प्लान है या फिर भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज आप यूज़ करते हैं और उसमें आपको ये स्पीड का इश्यू फेस करने को मिल रहा है कि जब स्पीड आती है तो काफ़ी आती है, मतलब कि अगर 30 MBPS का प्लान है तो 35 MBPS तक आपको स्पीड मिल जाती है, लेकिन जब डिक्रीज होती है तो इतनी डिक्रीज हो जाती है कि 1 MBPS की भी आपको प्रॉपरली स्पीड नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्यों होता है और क्या ये सभी को ही फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम? तो इसका आंसर है कि हाँ, ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, क्योंकि ये राउटर कुछ तो प्रॉब्लम है, ये राउटर की वजह से होती है। ये जो BSNL राउटर देता है आपको, ये थोड़े चीप क्वालिटी के राउटर्स हैं एक्चुअली, और इनमें जो सेटिंग्स हैं वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं की हुई है, सेटअप नहीं की हुई है, उसकी वजह से भी कई बार, और कुछ थोड़ी बहुत इनकी सर्विस भी वीक है। हम लैपटॉप पे देखेंगे किस तरीके से आप इन जो सेटिंग्स हैं, इनमें जो ऑप्शंस हैं उनको कॉन्फ़िगर करोगे और स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप और बाकी क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू लैपटॉप। सो अभी हम अपने लैपटॉप पर आ गए हैं और देखते हैं कि हमें पहले क्या स्पीड मिल रही है। आपको पता चल जाएगा कि BSNL राउटर है, उसी से कनेक्ट करके रखा है हमें हमने, और पहले लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है इसका IP एड्रेस क्या है, 16192 पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वही है, और ये आपके राउटर के नीचे मतलब बैक साइड पे लिखा हुआ रहता है। यूजर नेम पासवर्ड लगा के हम इसे लॉगिन कर लेते हैं जस्ट, और फिर देखो यहाँ पे भी ये लोग पता नहीं कैप्चा डलवाते हैं, वेरिफिकेशन कोड डलवाते हैं कि पता नहीं कितनी सिक्योरिटी है, जबकि ये केबल कनेक्टेड होगा उसी से चलेगा। तो देखो डिजिटल से कनेक्ट हो ही गए हैं अपन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर इंटरनेट में दिखा देता हूँ कि ये BSNL का ही है हमारा। सो पहले हम स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट के लिए हम सीधा logicaldost स्पीड टेस्ट सर्च कर लेते हैं, और आप किसी भी टूल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट logicaldost स्पीड टेस्ट टूल हमारा है तो हम उसी से करना पसंद है। देखो अभी भी आपको पता चली हो गया, अभी भी आपको पता तो चल ही गया होगा कि स्पीड तो स्लो ही आ रही है, बट स्टिल चेक करते हैं कितनी है। तो अभी डाउनलोड स्पीड आपको ये कुछ 6-7 MB दिखा रहा है, 5-6 MB, और ये भी जब स्पीड टेस्ट कर रहे हैं तब आ रही है, वरना नॉर्मली अगर कुछ वीडियो वगैरह चलाते हैं तो कुछ आता नहीं है। अभी डाउनलोड स्पीड आपको दिखा दिया 6.2 MB की है, इसके अलावा अभी आप देखते हैं अपलोड स्पीड क्या है। तो अपलोड स्पीड आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 30 MBPS की अपलोड स्पीड आ जाती है। और अभी हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे, कुछ अपने जो राउटर है उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे स्पीड में क्या डिफरेंस रहता है। एक बार मैं आपको गूगल जो स्पीड टेस्ट टूल है जो इनका डिफ़ॉल्ट, उससे मैं आपको और दिखा देता हूँ, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो कैरियर में आपने को आपको दिख रहा होगा BSNL इंटरनेट सर्वर, तो न्यू दिल्ली कोई भी हो, कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं है सर्वर से। अभी ये अभी स्पीड टेस्ट हो ही रहा है, ये लोड भी नहीं हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, हम अभी इसको चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने राउटर में आना है, राउटर में लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, स्टेटस, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड डायग्नोस। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। सबसे पहले जब आप नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंटरनेट वाले जो इंटरनेट वाला जो टैब है यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लेना, इस तरह से कुछ सेटिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेट के लिए कनेक्शन नेम में ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में रूट होना चाहिए, और आईपी प्रोटोकॉल मोड में ये दोनों सेलेक्ट मत करना, IPv4 ही करना, क्योंकि स्मार्ट टीवी में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो स्मार्ट टीवी होते हैं उनमें दिक्कत होती है, वो ढंग से काम नहीं करते, वो ढंग से नहीं चलते। उसके बाद में ये आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पोर्ट बाइंडिंग है, इसमें ये सब इसी तरीके से सेलेक्ट करना है, और सर्विस नेम में BSNL लिख देना है, ऑटो कनेक्ट और सर्विस मोड में इंटरनेट। ठीक है, ये तो आपको जो आपका वेंडर होता है या फिर जो भी आपका जो राउटर लगाते हैं आपके घर में, वो लोग कर देते हैं, नॉर्मल सी सेटिंग है। अभी आप आगे VLAN के अंदर जाओगे तो VLAN में यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे देखो चैनल विड्थ और चैनल नंबर, यहाँ पे देखो ऑटो हो के रखा, ये जो सेटिंग्स है ना, ये सबसे दो मेन सेटिंग है। देखो यहाँ पे 20 and 40 MHz जो ये विड्थ है, इनमें से आप ऐसे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर इसको आप दोनों पे रहने देते हो तो दोनों भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जो 20 MHz वाली जो चैनल विड्थ है, ये आपको लंबी दूरी तक
नेटवर्क देगी, मतलब सिग्नल देगी, लेकिन स्पीड में मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन जो 40 मेगा हर्ट्ज वाली है ये आपको ज़्यादा दूरी तक तो नहीं देगी सिग्नल, लेकिन स्पीड जो होगी वो जितनी पॉसिबल हो पाएगी आपके राउटर और आपके आपका जो प्लान है उसके हिसाब से वो मिलेगा आपको। सो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हो। हम इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं ताकि अपने हिसाब से जो भी इसको सही लगे राउटर को उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चैनल नंबर। चैनल नंबर में ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब हमने जो हमारा राउटर है उसको गाइड किया हुआ है कि आप जो भी चैनल नंबर चूज़ करना चाहिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन देखो बहुत बार जो हमारे राउटर होते हैं ना ये चैनल नंबर ऑटोमेटिक बेस्ट चैनल नंबर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। ये जो नॉर्मल DSL जो राउटर प्रोवाइड करवाता है ये वाले अच्छे राउटर की मैं बात नहीं कर रहा, वो काफ़ी मतलब एडवांस होते हैं। यहाँ पे चैनल नंबर में 11 अभी उसने कर रखा, तो ठीक है 11 जो चैनल नंबर है ये बुरा नहीं है, बट बेस्ट जो मैंने देखा है वो है 1 और उसके बाद में 16 और 11। ये तीन ही चैनल नंबर हैं जो आपको किसी भी राउटर में चूज़ करने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे सर्च किया तो भी आपको दिख रहा होगा कि 16 एंड 11 आर द बेस्ट चैनल फॉर वाईफाई इन द 2.4 GHz बैंड, ठीक है। हाँ, और ये जो BSN जो राउटर देता है वो 2.4 GHz वाले ही राउटर होते हैं। सो यहाँ पे मैं एक बार वन करके और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं हम हमारी स्पीड में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। सो अभी हमने चैनल नंबर तो 1 सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ऑटो हट के यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे देखो 13 तक चैनल नंबर होते हैं, तो 1 करने के बाद में अगर हम स्पीड टेस्ट करें तो देखते हैं क्या स्पीड टेस्ट रहता है। और स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, हालांकि उससे बेटर है 14-15-13 Mbps की। हम एक दो बार स्पीड और टेस्ट करेंगे, स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुई है अभी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है स्पीड। और एक बार और हम आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे अगर कुछ डिफरेंस हमें नज़र आए तो। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड स्पीड तो वही 33 MB की आ रही है, बट डाउनलोड स्पीड 14 Mbps के आसपास हमें मिली है। एक बार हम और टेस्ट करके देखते हैं, अभी इस बार वाला जो टेस्ट है वो हम गूगल के पेज पे करेंगे, गूगल के स्पीड टेस्ट टूल को यूज़ करके करेंगे। सो लोड होने के बाद में हम इस पर जस्ट क्लिक करते हैं एंड देखते हैं स्पीड में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। तो वही है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्पीड पहले 5-6 MBPS के आसपास आ रही थी, वो अभी 15 MBPS के आसपास आ रही है। तो इतना डिफरेंस भी काफ़ी है चैनल नंबर चेंज करने के बाद में। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने BSNL भारत फाइबर राउटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे। देखो तीन ही जो चैनल बैंड है वो आपको यूज़ यानी ऑटो से उसको मैनुअल पे कर देना है, जहाँ पे आप या तो 1 या फिर 6 मतलब एक और 6 और 11 16-11 जो चैनल बैंड है उन्हीं में से कोई चैनल बैंड आपको चूज़ करना है और आपकी स्पीड अच्छी आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि जो राउटर है ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं कर पाता अपना बेस्ट चैनल, और इस वजह से आपको कई बार स्पीड 1 MBPS से भी कम देखने को मिलती है, उसका यही रीज़न है। बाकी जो स्पीड आगे से जितनी आ रही है उससे ज़्यादा तो हम इम्प्रूव कर नहीं सकते। जैसे अभी आपने देखा कि मैक्सिमम स्पीड हमारी इम्प्रूव हुई थी वो अराउंड 14 MBPS हुई थी, उससे ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो वो इसीलिए कि आगे से इतनी आ रही थी, लेकिन चैनल बैंड चेंज करने के बाद में हमें स्पीड अच्छी देखने को मिली, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।